स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद जिंदल सर पर। तो जैसा कि लाइव हम पढ़ा रहे हैं अपनी फिगर ऑफ स्पीच को, तो आज का हमारा टॉपिक है सॉनेट, जिसके बारे में आज शुरू करेंगे हम। सॉनेट जो होती है एक 14 लाइन की पोइम होती है, जिसको स्टार्टिंग जो हुई थी इटली में हुई थी, और इटली में इसे 12वीं से 13वीं शताब्दी में शुरू किया था इटालियन सॉनेट के रूप में, और वहीं से इसको बोरो किया गया पेट्रार्क के द्वारा। पेट्रार्क ने भी फिर इटली में ही सोनेट का जो काम था वो किया, और फिर जब इंग्लिश में इनका आना होता है तो वो होता है 16th सेंचुरी में, और शुरुआत जो होती है उसके बारे में ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार आ जाइए सभी, थोड़ा सही रहेगा। नमस्ते रेखा जी, वेलकम, आ जाइए। और भी जो हैं हमारे दोस्त, वो अगर सभी आ जाएं तो अच्छा रहेगा, ताकि अच्छे से शुरुआत कर सकें अभी। चलिए जो आते जाएंगे वो देखते चलेंगे और बैक करके देख लेंगे। तो सॉनेट पढ़ रहे हैं। सॉनेट का जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था इटली में। इटली में इसको इन्वेंट किया गया था किसके द्वारा? ग्लोकोमो दी लेंटिनी। ये इटालियन में इन्होंने लिखी थी सॉनेट, इटालियन लैंग्वेज में इन्होंने सॉनेट लिखी थी, और ये ग्लोकोमो दी लेंटिनी इसके द्वारा लगभग 12th एंड 13th सेंचुरी के बीच में इसको लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद इसको पेट्रार्क, जिसको हम पेट्रार्कन सोनेट के नाम से जानते हैं, वो यही है कि पेट्रार्क ने भी इटली में इस परंपरा को, अर्थात सोनेट लिखने की जो आर्ट थी, जो कला थी, इसको फॉलो किया, इसको आगे कंटिन्यू रखा। पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखी थी वो 14 लाइन की सोनेट थी, और ये 14 लाइन की सोनेट में दो पार्ट होते थे। एक होता था ऑक्टेव और दूसरा होता था सेस्टेट। ऑक्टेव जो है ये 8 लाइन की पॉइंट होती थी, सॉरी 8 लाइन का पार्ट होता था, एंड सेस्टेट जो है ये 6 लाइन का पार्ट होता था, ठीक है। अब इसमें होता क्या था कि ऑक्टेव में जो 8 लाइन होती थी, इसमें जो सॉल्यूशन होती थी, सॉरी जो प्रॉब्लम होती थी पॉइंट को, जिसके बारे में, जिसको एड्रेस करते हुए वो पॉइंट को लिख रहा है, उस प्रॉब्लम को बताता था, और सेस्टेट पार्ट में इसका सॉल्यूशन दिया जाता था, यानी कि जो रेजोल्यूशन होता था, सॉल्यूशन या रेजोल्यूशन जो होता था इसका, वो सेस्टेट पार्ट में दिया जाता था। और ऑक्टेव पार्ट में क्या होती थी, इसकी प्रॉब्लम होती थी, यानी पैसिमिज्म, निराशावाद को इसमें व्यक्त किया जाता था, और सेस्टेट पार्ट में उसको ठीक कर दिया जाता था, उसको ऑप्टिमिज्म की तरफ ले जाया जाता था, आशावाद की तरफ लेके जाया जाता था। अभी जो ऑक्टेव पार्ट है इसकी, जो उन्होंने लिखी थी वो लिखी थी राइम स्कीम ए बी बी ए ए बी बी ए। ये तो थी ऑक्टेव पार्ट की। ऑक्टेव पार्ट में इन्होंने ए बी बी ए ए बी बी ए लिखी थी, और जो सेस्टेट पार्ट था इनका उसमें लिखी थी सी डी ई सी डी ई, और इसमें एक और वेरिएशन था सी डी सी सी डी सी। तो ये दो वेरिएशन में इन्होंने अपना सेस्टेट पार्ट जो था वो लिखा था, ठीक है। यानी कि शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी इटली में, और इटली में शुरुआत होने के बाद इसको पेट्रार्क ने आगे डेवलप किया, और पेट्रार्क का जो फॉर्म था सोनेट लिखने का वो था 14 लाइन की पोएम थी, जिसमें ऑक्टेव और सेस्टेट दो पार्ट होते थे। 8 लाइन का ऑक्टेव जिसमें प्रॉब्लम होती थी, और 6 लाइन का जो सेस्टेट है उसमें उसका रेजोल्यूशन, उसका कोई ना कोई आंसर दिया जाता था। ऑक्टेव की राइम स्कीम जो थी वो थी ए बी बी ए ए बी बी ए, और सेस्टेट की सी डी ई सी डी ई, और दूसरा था सी डी सी सी डी सी। ये तो वेरिएशन थे पेट्रार्क की सोनेट में। अब आगे क्या होता है कि अर्ली 16th सेंचुरी में ये जो सोनेट है ये इंग्लिश सोनेट में आ जाती है, यानी कि इंग्लिश जो लिटरेचर था ब्रिटेन का, उसमें सोनेट को लिखना शुरू कर दिया जाता है, और इसको सबसे पहले लिखा जाता है सर
थॉमस वियार्ट एंड हेनरी होवार्ड जो कि थे अर्ल ऑफ शरे। ये दो लोग थे, इन्होंने क्या किया था, इंग्लिश सोनेट की बिगनिंग की थी, इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को शुरू किया था सर थॉमस वियार्ट एंड हेनरी होवार्ड जो कौन थे, अर्ल ऑफ सरे ये थे और इन्होंने शुरुआत की थी। अब इन्होंने जो शुरुआत की थी वो सोनेट इन्होंने लिखी थी, रिचर्ड टॉटल एक पब्लिशर थे एक मैगजीन के और इनकी एक मैगजीन थी, ठीक है, उसमें इन्होंने ये जो सोनेट थी इनको पब्लिश किया था। ये हुई थी 1557 में और इसका जो टाइटल था वो था सॉन्ग एंड सोनेट, इस टाइप से इन्होंने इसका टाइटल दिया था जिसको रिचर्ड टॉटल थे, रिचर्ड टॉटल की में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स एक मैगजीन थी रिचर्ड टॉटल की, उसमें इन्होंने ये अपनी सोनेट को पब्लिश किया था 1557 में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, ये जो सोनेट थी इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है टॉटल्स मिसेलेनी, ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि दो, एक तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जो इसका टाइटल था और ये टॉटल की मैगजीन में इसको छापा गया था, इसलिए टॉटल्स मिसेलेनी के नाम से भी इसको जाना गया। तो ये था ओरिजिन, किस टाइप से इनका ओरिजिन हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अब इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, पहले एक बार इसमें आपके कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का, आ जाइए। और आज बहुत ही कम लोग हैं, कहाँ चले गए सभी, कोई जुड़ा नहीं है अभी तक। बताइए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। और आज अच्छे से सोनेट आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी कमेंट करके। कुछ तो कमेंट कीजिए, यहाँ तक कोई समझ में नहीं आई हो चीज। ओरिजिन हुआ था इटली में, ग्लोकोमो दी लैंटिनी के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था, ठीक है। ये पहले लैटिन इटालियन लैंग्वेज में सोनेट को लिखा गया था, उसके बाद पेट्रार्क ने भी इसको इटली में ही स्टार्ट किया था, वहाँ इसने इटालियन और लैटिन दोनों भाषाओं को मिक्स करके सोनेट को लिखा ऐसा माना गया है। फिर पेट्रार्क के बाद इंग्लिश में जब सोनेट का लिखने का चलन शुरू होता है तो उस समय क्या होता है कि जो थॉमस विट थे और अर्ल ऑफ सरे हेनरी होवर्ड थे, ये दोनों ने क्या किया, इंग्लिश सोनेट को शुरू किया और 1557 में इन्होंने एक सोनेट लिखी जिसका टाइटल था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ये आया था 1557 में और ये रिचर्ड टॉटल की एक मैगजीन थी उसमें आया था और इसको टॉटल्स मिसेलेनी भी कहा जाता है। देखो मैं ट्राई करूंगा कि कोर्स पूरा हो जाए, टाइम कम है मुझे पता है, और दूसरा ये है कि मैं भी इतना टाइम नहीं निकाल पाता क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं अब एक साथ सारी चीज़ों को नहीं करा सकता। अगर मैं साइकोलॉजी करा रहा हूँ, लिटरेचर भी करा रहा हूँ, फिर मैं अपनी जो जॉब है प्राइवेट स्कूल में उसको भी फॉलो कर रहा हूँ, उसको भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो सारे काम एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो जितना हो जाता है एग्जाम तक उतना बेटर है, और फिर भी अगर बाई चांस जैसे कि अभी गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो डेट भी बढ़ सकती है, पॉसिबिलिटी है लेकिन कंफर्म नहीं है। तो अभी तो जो डेट है उसी को ही मान करके चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें अपने कंटिन्यू करनी है स्टडी को, ठीक है। और हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अपना सिलेबस कंटिन्यू रहेगा ही। तो इस बारे में श्योर ना रहे कि डेट बढ़ेगी, अपनी तैयारी जो है इसी के अकॉर्डिंग चलती रहनी चाहिए, ठीक है। यस जी, आपके प्लीज कहने से क्या होगा, 24 आवर्स में मैं 8 घंटे यूट्यूब को दे रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। 8-6 घंटे का स्कूल होता है, 8-6-14 घंटे हो गए, बचे 10 घंटे वो मेरे लिए भी चाहिए कुछ पर्सनल काम के लिए भी, तो वो थोड़ा इस चीज को नेटवर्क इशू है।
आगे है कि ये जो सोनेट थी ये दो चीजों में डिवाइड हो गई थी, पहले तो इसको थॉमस वेट एंड दूसरे थे हेनरी होगार्ट यानी अर्ल ऑफ शाइर। अब इन दोनों में क्या हुआ था कि ये जो सोनेट थी पहले तो इन्होंने साथ में मिलकर के काम किया, लेकिन बाद में इन्होंने तो पेट्रार्क सोनेट को ही फॉलो किया, जो पेट्रार्कन फॉर्म थी सोनेट की उसी को ही इन्होंने फॉलो किया, यानी कि वही 49 की पॉइंट थी जिसमें ऑक्टेव एंड सेस्टेट थे। लेकिन जो हेनरी होवार्ड है अर्ल ऑफ शरी जो है, ठीक है, उसके लिए अगर हम बात करें तो ये जो हेनरी होवार्ड है इन्होंने अपनी एक नई राइम स्कीम, नई राइम स्कीम जो थी वो बना ली, और नई राइम स्कीम में इन्होंने क्या किया जो पहले ऑक्टेव सेस्टेट पार्ट थे उनको बिल्कुल चेंज कर दिया और इन्होंने तीन क्वाड्रेंट और एक कपलेट, क्वाड्रेंट का मतलब चार लाइनें होती हैं क्वाड्रेंट में और कपलेट में दो लाइनें होती हैं, जैसे हम देखते हैं हिंदी में पढ़ते हैं चौपाई और दोहा, तो ये हो गया चौपाई और ये हो गया दोहा, तो ये चार थी 12 और दो 14, 14 लाइन की ये भी क्या थी सोनेट थी। अब 14 लाइन की सोनेट में इन्होंने राइम स्कीम जो यूज की थी वो थी ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ और जी जी, ये इनकी सोनेट की फॉर्म थी ए बी सी डी सी डी ई एफ जी जी, इस टाइप से इन्होंने अपनी सोनेट को लिखा और इस वाली फॉर्म को बाद में विलियम शेक्सपियर स्पेंसर इन्होंने फॉलो किया, ठीक है, और ये जो फॉर्म थी हमारे पेट्रार्कन फॉर्म इसको मिल्टन, ठीक है, वर्ड्सवर्थ और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये वाइफ थी और इन लोगों ने जो सोनेट फॉलो की थी वो सोनेट थी थॉमस वेट की जो सोनेट थी पेट्रार्कन सोनेट ऑक्टेव एंड सेस्टेट पार्ट ये फॉलो किया था इन लोगों ने। हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरी की जो सोनेट थी इसको आगे विलियम शेक्सपियर ने डेवलप किया, ठीक है, और वर्ड्सवर्थ सॉरी स्पेंसर ने भी अपना एक इसमें योगदान दिया सोनेट में, तो ये सोनेट यहाँ पर इस तरह से दो विभागों में बट गई। लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है कि बाद में इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है जी एम हॉपकिंस के द्वारा। जी एम हॉपकिंस जो है उन्होंने सोनेट की फॉर्म को चेंज कर दिया और उन्होंने 10.5 लाइन की सोनेट लिखी, यानी 10.5 लाइन की इन्होंने सोनेट लिखी और इसमें जो ये राइम स्कीम थी बिल्कुल भी यूज नहीं की थी, उसमें स्प्रंग रिदम को यूज किया गया था। स्प्रंग रिदम का मतलब होता है कि एक नॉर्मल स्पीच जो होती है उसकी फॉर्म को यूज किया उन्होंने, यानी जैसे हम कोई नॉर्मल बातें कर रहे हैं इसी टाइप से उन्होंने एक रिदम बनाया था अपनी उस सोनेट में और वो 10.5 लाइन की थी, जैसे उनका टाइटल था फाइव ब्यूटी दी विंड होवर, ये जो थी जॉन जीएम हॉपकिंस की सोनेट थी जो 10.5 लाइन में उन्होंने लिखी थी, तो इस तरह से उन्होंने सोनेट को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। शेक्सपियर के द्वारा और मिल्टन के द्वारा जो सोनेट थी इनको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता था। आयम्बिक पेंटामीटर होता क्या है कि पेंटा का मतलब होता है फाइव, एक मीटर होता है, एक राइम होती है किसी भी पोएम की, और जो अपना आयम है आयम का मतलब होता है फुट, ठीक है, और एक फुट में होते हैं दो सिलेबल और पेंटामीटर में चाहिए हमको 10 सिलेबल, यानी 5 फीट जो होते हैं वो होते हैं पेंटा में, तो आयम के जब 5 फीट होंगे तो वो पेंटामीटर बन जाएगा, तो आयम्बिक पेंटामीटर। और इसका जो फॉर्म होता है इसमें पहला सिलेबल होता है अनस्ट्रेस्ड और दूसरा जो होता है वो होता है स्ट्रेस्ड, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी, आज शायद मौसम भी थोड़ा खराब है तो उस वजह से नेट में कोई प्रॉब्लम हो, और रही सनी जी स्क्रीनशॉट की तो आप ये वीडियो वापस से देख लेना और तब आप आराम से एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतना टाइम नहीं होता कि सारी चीज़ें खींचें और, ठीक है जी।
ये बताइए यहां तक समझ में आ गई चीजें, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। बताइए, कमेंट कर दीजिए फटाफट, यहां तक कोई दिक्कत हो तो ले लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट इसका, जो भी आपको दिख रहा है उसका ले लीजिए अभी, और बाकी का भी और ले लेना। ओके सनी जी, थैंक यू समझने के लिए। सर क्लास का टाइम 10 बजे का है, लाइव क्लास डेली 10 बजे होगी, जिस दिन नहीं होगी उस दिन मैं आपको बता दूंगा। मेरे चैनल पे कम्युनिटी टैब है, उस कम्युनिटी टैब में आप जाकर देख लीजिए, वहां पर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। और वहां पर मैंने 3 दिन पहले डाला भी था कि रोजाना 10 बजे रात को लाइव क्लास होगी अपनी, तो एक बार कम्युनिटी टैब को चेक कर लिया करें चैनल का। जैसे ही आप मेरा चैनल ओपन करेंगे तो वहां पर वीडियोज के साइड में आपको प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट के साइड में आपको कम्युनिटी टैब मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। फिर जो अपनी ये सोनेट है, फिर अपनी ये सोनेट है कौन सी, थॉमस वेट वाली और मिल्टन वाली, मिल्टन ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। और इसमें अपना जो सर फिलिप सिडनी है, इन्होंने एक सोनेट सीक्वेंस लिखा था। सीक्वेंस का मतलब होता है कि एक बहुत सारी सोनेट लिखना एक साथ, ठीक है। जैसे शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी थी, ऐसे सर फिलिप सिडनी ने सोनेट सीक्वेंस लिखा था, और उसका टाइटल था एस्ट्रोफॉल एंड स्टेला, ठीक है। एक बार आप कमेंट क्या कह रहे हो, यस जी वेयर फ्रॉम मतलब क्या है, तो इसका जो टाइटल था वो था एस्ट्रोफेला एंड स्टेला, इस नाम से इन्होंने सोनेट सीक्वेंस लिखा था सर फिलिप सिडनी ने, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला ये जो सोनेट सीक्वेंस है किसके द्वारा लिखा गया, तो ये था सर फिलिप सिडनी के द्वारा, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, पर बता तो दीजिए, कोई दिक्कत हो, सोनेट क्लियर हो रही है नहीं हो रही, सोनेट क्या होती है बता दीजिए एक बार। और आज लोग भी बहुत कम हैं, कहां गए सबकी आवाज। आ गया, ओके। और कुछ, चलिए अब ये तो ये वाली जो सोनेट सीक्वेंस था ये था मिल्टन वाले फॉर्म, यानी पेट्रार्कन जो फॉर्म थी, और उसको बाद में मिल्टोनिक फॉर्म में भी जानना शुरू हो गया। मिल्टन ने इसको डेवलप किया था, मिल्टन ने, जॉन मिल्टन ने, और उसके बाद इस फॉर्म को थॉमस बियार्ड के द्वारा जो पेट्रार्कन फॉर्म लाई गई थी सोनेट की, इसको मिल्टोनिक फॉर्म के नाम से भी जाना लगा। तो इसी फॉर्म में लिखी है ये, और ये जो सोनेट सीक्वेंस है वो 14 लाइंस की पोएम होती थी, और इसमें ऑक्टेव एंड सेस्टेट दोनों पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो शेक्सपियर वाली सोनेट थी उसमें स्पेंसर ने भी एक सोनेट सीक्वेंस निकाला, और उसका टाइटल था एमोरेटी, यानी कि जो अर्ल ऑफ सरे ने इंग्लिश का नया वर्जन शुरू किया था इंग्लिश सोनेट का, उसी सोनेट फॉर्म में जिसको शेक्सपियर ने बाद में डेवलप किया था, उसमें स्पेंसर ने बाद में एमोरेटी नाम से, एमोरेटी टाइटल नाम के सोनेट सीक्वेंस का ये उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो यहां तक तो बार बार नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, आई होप अब नहीं आई। चलिए तो सोनेट तो अभी कुछ बचा नहीं है, बाकी आप पूछ लीजिए आपको कोई डाउट हो सोनेट में। तो सबसे पहली बात तो सोनेट की शुरुआत हुई थी इटली में, ठीक है,
और उसके बाद पेट्रार्क ने इस फॉर्म को थोड़ा और ज्यादा अच्छे से डेवलप किया। पेट्रार्क से ही ये इंग्लिश में आई थी सोनेट, और शुरुआत की थी टॉमस व्याट एंड हेनरी होवर्ड ने। हेनरी होवर्ड जो थे उनको अर्ल ऑफ सरी कहा जाता है। अब इन दोनों ने अपनी एक सोनेट निकाली 1557 में, जिसका नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट, जिसको टॉटल्स मिसलैनी भी कहा जाता है क्योंकि रिचर्ड टॉटल की मैगजीन में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरी बात आती है कि जो टॉमस व्याट की जो सोनेट है उसमें 14 लाइन की पोइम होती थी, और ऑक्टेव और सेस्टेट दो पार्ट होते थे। ठीक है, ऑक्टेव में ए बी बी ए, सी डी ई सी डी ई और सी डी सी, ये फॉर्म थी उनकी, राइम स्कीम थी सोनेट लिखने की। और मिल्टन ने, वर्ड्सवर्थ ने, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने इनको डेवलप किया आगे, और आगे इसको कंटिन्यू रखा इस सोनेट को। दूसरी जो सोनेट है वो है हेनरी होवर्ड की, और शेक्सपियर ने इसको आगे जाकर के डेवलप किया। उन्होंने 154 सोनेट्स लिखी और उसी को आगे और बढ़ाया गया। स्पेंसर ने भी इसी में अपने एक सोनेट सीक्वेंस लिखा एमरेटी के नाम से। ठीक है, और जितनी भी सोनेट हैं, चाहे वो पेट्रार्कन हो चाहे इंग्लिश सोनेट हो, दोनों की दोनों सोनेट जो हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं। आयम्बिक पेंटामीटर एक मीटर होता है जिसमें 5 फुट होते हैं, 5 फीट होते हैं, और 1 फुट में 2 सिलेबल होते हैं। सिलेबल का मतलब बोवल साउंड। ठीक है, और जिसमें पहली बोवल साउंड जो होती है वो होती है अनस्ट्रेस्ड और दूसरी होती है स्ट्रेस्ड। इसी तरह से फॉलो होती है अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस। इस तरह से 5 बार ये जो है पांचों की पांचों फीट में ये जो टर्म है अप्लाई होती है, यही होता है हमारा मीटर। और पेंटामीटर इसलिए बोलते हैं, इसमें 5 फीट होते हैं। तो इस तरह से आयम्बिक पेंटा मीटर ये बन जाता है। आयम्बिक पेंटामीटर की फॉर्म में सोनेट्स को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा सोनेट का कंप्लीट टॉपिक। कल मिलते हैं दूसरे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट करके अब पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सनी जी। ओके, अच्छा है, समझ में आ गया। समझाने के लिए ही, समझाने के उद्देश्य से ही मैं आपके पास आ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कई जगह हम जब पढ़ते हैं थ्रू आउट इंग्लिश में हमको पढ़ाया जाता है, और थ्रू आउट इंग्लिश में हमारे सर के ऊपर से चीज़ें निकल जाती हैं। तो उसी वजह से मैंने बाइलिंगुअली पढ़ाने का ये एक नया तरीका तैयार किया कि यूट्यूब पे लोग जुड़ेंगे और उनको बाइलिंगुअली दोनों लैंग्वेज में उनको इंग्लिश को समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि उनको अच्छे से समझ में आ जाए, उन तक मेरी बात पहुंचे, और इंग्लिश उनके लिए थोड़ी आसान लगने लग जाए जो उनके लिए काफ़ी टफ लगती है जब थ्रू आउट इंग्लिश हम पढ़ते हैं। एज यू लाइक इट पे काम चल रहा है। देखिए, प्ले हैं और प्ले में टाइम लगता है उनकी सारी समरीज वगैरह इकट्ठी करने में, और जल्दी ही उसके बारे में भी वीडियो लेकर आऊँगा। शेक्सपियर की वीडियो देख लीजिए, उसमें एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं, और बहुत ही अच्छे से उनको स्टडी करके मैंने कई सोर्सेस से आपके लिए प्रेजेंट किया है एक वीडियो के रूप में, तो आप उसको देख लें जी। क्लास कंप्लीट हो गई है रेखा जी आज की, और आपने अगर वीडियो मिस कर दी है तो आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। ठीक है, दोबारा वीडियो प्ले कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें वापस से मिल जाएंगी समझने के लिए। शुरुआत से ही जितना भी हमने शुरू किया है, तो जो भी बीच में आए हैं, जिन्होंने बीच में आज हमारी लाइव वीडियो को ज्वाइन किया है, वो एक बार फिर से शुरू से इस वीडियो को देख लें ताकि सोनेट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी चीज़ उसमें से आपकी बाकी ना रहे। ठीक है, तो जिस साइकोलॉजी की मैं कोशिश करूंगा साइकोलॉजी पढ़ाने की। मैंने वैसे बनाई है आज वीडियो और देखता हूँ आगे भी कंटिन्यू रख पाया, तो क्योंकि थोड़ा मैं इतना समय कम निकाल पा रहा हूँ कि सारी चीज़ें कंटिन्यू कर सकूँ। चलिए, जब तक यूट्यूब है तब तक हमारी क्लासेस चलती रहेंगी और हम भी अपना योगदान देते रहेंगे, अपना जो नॉलेज हमने कलेक्ट की है अपने इस लाइफ में उसको आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं तब तक, धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। चलिए।